हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक नए आर्ट के साथ हाजिर हूँ। आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बताऊँगा और सिखाऊँगा कि फ़ोटोशॉप में मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। तो मेरा एक और पीडीएफ फाइल है जिसका मैं ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ आपको। तो आप देखें और स्टार्ट करते हैं फटाफट। लेट्स गो। ये देखिए, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक लड़की और प्लस एक फॉक्स दोनों वॉक करते हुए साथ में आएंगे, तो वो मैं प्रॉपर कॉम्पोजिशन और लाइटिंग के साथ आपको बताने वाला हूँ। ये एक ब्रेकडाउन है, तो मैं आपको लेयर वाइज समझाऊंगा कि मैंने इसे कैसे 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 बनाया है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये वो लड़की है और ये वो वुल्फ है। ये दोनों कटआउट किया हुआ था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो उसके साथ साथ मैं अभी मैनेज करूँगा ये लड़की का शैडो, ये वुल्फ का शैडो। ये राइट साइड इसलिए है कि बिकॉज द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक लैम्प है, तो लैम्प की लाइट सोर्स इधर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लाइट्स होगा तो यहाँ पे साइड होगा, तो इसलिए मैं शैडो सारे राइट साइड में रखा है। तो आपको दिखाता हूँ, तो ये है प्लस ये हल्का सा शैडो मैंने दिया हुआ है, और ये बैकग्राउंड के ऊपर मैंने थोड़े कलर ट्रीट किए हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ चाहिए वो आप डिपेंड, आप कैसा एनवायरनमेंट सोच रहे हो, किस टाइप की लाइटिंग होगी, लाइट वार्म होगा या कोल्ड होगा या फिर ग्रीन, और बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ये है शैडोज, ये है एक ट्रॉली है तो वहाँ के लिए ये है, ये उसका ट्रीटमेंट है, प्लस ये एक ओवरऑल ब्लू का ट्रीटमेंट है क्योंकि हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट को टू टोन में कनेक्ट करना था। तो मैंने ये लाइट्स यूज़ किया है प्लस, तो इससे थोड़ा सा एक सैचुरेशन पॉइंट जो हमारा ख़राब हो रहा था तो वो थोड़ा सा एक जगह ब्रेक हो रहा है ब्लू लाइट्स और येलो लाइट्स के बीच में, तो वो मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे अब ये लड़की है, लड़की के ऊपर का हम ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की के जहाँ पे हल्का सा ब्लर है या हवा में उड़ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने फेड किया है ताकि वो आपको हल्का सा फेडी फेडी दिखे, क्योंकि वो हवा में अभी मूवमेंट के टाइम पे है, तो वो है। प्लस ये देखिए, मैंने यहाँ पे लाइट्स एरिया मेंटेन किया है, थोड़ा आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी लाइट्स नहीं है ये लड़की के लेफ्ट साइड के एज में, तो मैंने यहाँ से ऑन करता हूँ ये लाइट्स, तो अभी देखिए यहाँ पे लाइट्स आ गया है। तो ये है लाइट्स मैंने मैनेज किया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि लाइट्स के साथ साथ फिर यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक ट्रीटमेंट दिया है जो एनवायरनमेंट को मैच करके हुए। तो ये वुमेंस का हो गया, ये अल्फ हो गया है, और मैंने यहाँ पे एक रथ भी डाला हुआ है। ये तीन चीज़ें इस बैकग्राउंड पे मैंने डाली है, अब इसको धीरे धीरे हम प्रॉपर एक सिंगल टोन में लेकर आएंगे। तो ये है ग्रेडियंट जो थोड़ा सा ब्लू टिंट राइट साइड से आ रहा है तो वो कपड़े पे भी थोड़ा सा पड़े, और ये ओवरऑल एक कलर बैलेंस। फिर उसके बाद चैनल है, चैनल से थोड़ा सा मैंने येलो एनहांस किया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद सैचुरेशन से थोड़ा सा डल किया है मैंने, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो लाइट्स हो रहा था। और ये है सेलेक्टिव कलर्स, तो ये सब चीज़ों में मैंने कलर स्टोन किए हैं। आपको मैं बताता हूँ कि सारे कलर बैलेंस क्या रखा है मैंने, आप देख रहे होंगे मिड टोन में कुछ भी नहीं है। हाइलाइट्स में देखे मैंने यूज़ क्या किया है, सियान मैंने प्लस 12 रखा है, मजेंटा कुछ भी नहीं है, येलो में मैंने प्लस 13 रखा है, और शेडोज में जाते हैं, शेडोज में प्लस 13
मैजेंटा में +13, येलो में +20 रखा है मैंने। ये कलर है बैलेंस। और अब आते हैं चैनल मिक्सर में। चैनल मिक्सर में आप देख सकते हैं कि अभी ब्लू में -10 है, रेड में -3 है, ग्रीन में और -78 है ब्लू में। और में भी देख लेते हैं हम। अभी आउटपुट चैनल ग्रीन के रेड में है +13, ग्रीन में है +97, ब्लू में है +8। और रेड में देखते हैं, रेड में रेड है +108, ग्रीन है -1 एंड ब्लू है +1। तो ये है अपना चैनल मिक्सर का। अब यू सैचुरेशन में मैंने थोड़ा सा कलर डल किया है, तो आई थिंक इसमें सिर्फ मास्टर्स में आपका सैचुरेशन -19 होगा, बिकॉज ये जो होता है ये आपका कलर डल और ब्राइट करने के लिए होता है। जितना इधर बढ़ाएंगे उतना कलर पंप होगा, जितना इधर डाउन जाएंगे उतना कलर कम होगा। तो ये ठीक है। अब आते हैं सेलेक्टिव कलर। सेलेक्टिव कलर्स मैंने एक्चुअली सेलेक्टिव कलर्स होता है कि हम हर एक कलर्स को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से उसमें मैनेज कर सकते। सॉरी, ये है सेलेक्टिव कलर्स, जिसमें हम हर कलर के ऊपर एक टारगेट कलर करके काम करते हैं। जैसे नेचुरल्स में मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, रेड में भी मैंने कुछ भी नहीं रखा है, येलो में भी कुछ भी नहीं रखा है, ग्रीन में भी कुछ नहीं रखा है, सियान में कुछ नहीं रखा है, ब्लू में भी कुछ नहीं रखा है एंड मजेंटा में भी कुछ नहीं रखा है, वाइट में कुछ नहीं रखा है एंड ब्लैक। एक्चुअली आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ये आइस से हाइड करता हूँ, तो आपको समझ में आता हो कि ब्लैक एरिया को ही इसने सिर्फ टारगेट किया है, जहाँ पे डार्क टोन था। तो वहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें सियान ऐड किया है +8 एंड बहुत सारा ब्लैक था, इसलिए ब्लैक्स को कम किया। ये देखिए ब्लैक जो एरिया है ये आपका ब्लैक्स कम करता है। तो यहाँ पे और ये क्या होता है कि ब्लैक एरिया में कौन सा कलर्स आपको डालना है, तो मैंने फिलहाल के लिए सियान डाला हुआ था, तो सियान, अगर मजेंटा ऐड करना है, ग्रीन ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एरिया होती है, यहाँ पे आप जो कलर सेलेक्ट करते हो उस एरिया पे यहाँ से वो कलर पे टारगेट आप कर सकते हो। तो ये कलर मेरा इसका है सेलेक्टिव कलर्स। तो सेलेक्टिव कलर्स है ही उसी के लिए, जो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स के ऊपर टारगेट करके उसमें क्या डालना है। जैसे ब्लैक में ब्लू डालना है, रेड डालना है, येलो डालना है, वैसे रेड में आपको क्या ब्लू है, ब्लैक है, जो भी फील करना है वो वहाँ से होता है। यू सैचुरेशन एक्चुअली सारे कलर्स को मेल्ट करता है, एक में मिक्स करता है। तो इस तरीके से मैंने अपना ये क्रिएटिव बनाया था। तो ये भी मेरे पुराने क्रिएटिव्स में से एक है, जिसका आर्ट काफ़ी समय से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्रेकडाउन बनाऊं। तो मैंने ये PSG से मैंने एक ब्रेकडाउन बनाया आपके लिए। होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो और इससे काफ़ी आइडिया हुआ होगा कि सिंगल इमेज के साथ कैसे वर्क करते हैं, एक दो इमेजेस ऐड करके कैसे कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, तो मैं इसका एक डिटेल फिर से प्रॉपर ब्रेकडाउन है मैं प्रॉपर क्रिएटिव बनाऊंगा, सेम इमेजेस सेम बैकग्राउंड के साथ। या आप बोलोगे तो बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताओ। ये मेरा क्रिएटिव ऑलमोस्ट बैकग्राउंड रेडी है, सारा आर्ट बन चुका है। तो आप इंजॉय करो, सीखो और बनाओ। मैं नए क्रिएटिव्स भी लेके आऊँगा। तो ये मेरे आर्ट्स हैं, काफ़ी सारे आर्ट्स हैं मेरे पास। कुछ अभी जो जिसमें मैंने वीडियोस बनाए नहीं है वो कम से कम 340 के ऊपर आर्ट्स हैं, जिनको मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं और भी चीज़ें बनाता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा कि क्या है
और कैसे इमेजेस को ट्रीट करते हैं, कैसे उसे मैनिपुलेट करते हैं, फिर उसको कैसे रियल जोन में लेके आते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ यार, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ चीज़ों पे, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अभी बहुत अच्छे से टॉक नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ एज अ वॉइस, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम अभी कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा इस चीज़ों को आगे चल के फ्यूचर में। तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।